सुशील पंडित जी, चर्चा में आइए। आर्टिकल 370 हटने के एक साल के बाद भी जमीन पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। अगर कोई अपना भविष्य किसी और दिशा में संवारना चाहता है, कश्मीरी युवा, तो कश्मीरी युवा ही आकर उसको मार रहा है। क्या बदला है? लगभग कुछ भी नहीं बदला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जमीन पर स्थितियां वैसी की वैसी इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने एक बहुत बड़ा बदल घोषित किया था पिछले वर्ष, उनको आगे सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है। हाथ पे हाथ धरे बैठे पिछले 15 महीनों में पहला निर्णय लिया गया कि आप अब वहां नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कुछ शर्तों के साथ खरीद सकते हैं। 15 महीने लग गए इस निर्णय को होने में, और उससे पहले एक उलट निर्णय लिया गया कि जो वहां 15 साल से रह रहे हैं केवल वहीं वहां के स्थायी नागरिक होंगे, आप 370 को पिछले दरवाजे से वापस ला रहे हैं। आपने अभी नाम लिया वसीम बारी का, जिसकी जुलाई में अपने पिता और भाई के साथ हत्या कर दी गई थी। गवर्नर का शासन है प्रदेश में, उन 3 व्यक्तियों को, देशभक्तों को, अपने स्थानीय कब्रिस्तान में कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिली। उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी सामने नहीं आया। इस देश में हमारी आर्मी पाकिस्तान के मारे गए सैनिकों के लिए जनाजे पढ़ने के लिए मौलवी तो जुटा लेती है, लेकिन कश्मीर में देशभक्त मारा जाता है तो उसका जनाजा कोई PSO पढ़ता है, और उसको अपने स्थानीय कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती। JCB बुला के उसके खेत में 3 कब्रें बनाई जाती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहां के समाज के अंदर अभी इतनी नफरत भर दी गई है कि एक मारे गए निर्दोष और निहत्थे व्यक्ति को अपने स्थानीय कब्रिस्तान में जगह नहीं दे पाती। भाजपा के शासन में भाजपा के नेताओं को जगह नहीं मिल पाई। तो हम किस बात से, किस चुनौती के सामने खड़े हैं, इसका कम से कम आकलन ठीक कीजिए। आए दिन मंत्रोच्चार की तरह बदला लिया जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, सुन सुन के कान पक गए हैं। वहां पर देशभक्त के जान की 2 कौड़ी की कीमत नहीं रह गई है। माजी नेत्री साहब, लोगों का सुशील पंडित जी जो ये सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, है। माजी नेत्री साहब, सुशील, ठीक है, आरपी सिंह जी आपके पास मैं आऊंगी। माजी नेत्री साहब, कश्मीर में जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, इस साल सफल ऑपरेशन हुए, मैंने दिलबाग सिंह जी का स्टेटमेंट भी अभी यहाँ पर कोट किया था, लेकिन बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलवामा जैसा हमला इमरान सरकार की बड़ी अचीवमेंट है, और कश्मीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक कश्मीरी युवा दूसरे कश्मीरी युवा पर बंदूक तान रहा है, उसको मौत के घाट उतार रहा है। आतंक की इस साजिश पर खड़े होंगे आप सरकार के साथ? खुलकर कहेंगे, खुलकर निंदा करेंगे इस बात की? देखिए मीनाक्षी साहिबा, सबसे पहले तो ईद मिलाद की सबों को मुबारक। देखिए जो गम का जो अवसर है कि जो 3 जो यहाँ पे भाजपा के लीडरों को मारा गया है, देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो भाजपा अपने लीडर्स की जान नहीं बचा पाई है, उस भाजपा ने अब कहा है कि सारे हिंदुस्तान के लोग आके जमीन लें। सुशील पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिन भाजपा के 3 लीडर्स को, वसीम बारी और उसके बाप और भाई को, अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, वहां पे भाजपा कहती है पूरे देश भर के लोगों को कि तुम लोग आओ और जमीन खरीदो, मतलब बलि का बकरा कश्मीर में भाजपा के लिए हर एक बने। अब भाजपा तो कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं, भाजपा तो इतनी ताकतवर पार्टी है कि भाजपा ने तो बिहार के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान से बयान निकलवाया कि बालाकोट, ये पुलवामा अटैक किसने किया था और काम टांगे किसकी कांपी थी। भाजपा तो बड़ी ताकतवर पार्टी है, लेकिन क्योंकि हर एक ने बलि का बकरा बनना है, इसलिए भाजपा को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। आपने वसीम बारी की बात की, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल अटल जी जम्मू कश्मीर में भाजपा के एक सीनियर लीडर माने जाते थे, गुल मोहम्मद वानी, उनको प्यार से अटल जी कहा जाता था, कश्मीर के अटल जी। भाजपा की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी छीन ली। कांग्रेस के नहीं, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार भाजपा है, आप ये कह रहे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा कि कश्मीर में आतंकवाद की जो जमीन, आतंकवाद की जो दुकान पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है? मैडम भाजपा यहाँ पे स्थिति सुधार क्यों नहीं पाई है? नहीं, आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए क्या किसी एक पार्टी विशेष को आप टारगेट कर सकते हैं? कहाँ है अमन और कहाँ है शांति? स्थानीय तौर पर जिन्होंने कश्मीर में राज किया, जिन्होंने कश्मीर की ये दुर्दशा की, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप?
मैडम मैं उनके बारे में कैसे कहूँ, वो तो सत्ता नहीं चला रहे, सत्ता तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सत्ता चल रही है, जो भाजपा अपने लोगों को सुरक्षा नहीं फराम कर पा रही है। आरपी सिंह जी मुझे हरबख्श सिंह जी के पास भी जाना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।